हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी। हमारे बेबी किचन में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज हम आपके लिए एक नई रेसिपी लेकर आई हैं। वो क्या है? वो है सूखे पापड़। ये देखिए, सूखे पापड़, जैसे ये फूकनी होती है ना, ऐसी। तो आज हम इनको क्या करते हैं, घर पर तैयार करते हैं। जो कि हम बाज़ार से लेकर आते हैं, उसमें पता नहीं कैसा कैसा तेल डला होता है। इसमें हम चाहे तो देसी घी में तल सकते हैं, या फिर इनको मक्खन में तल सकते हैं, कैसे भी तेल में तल सकते हैं। अब हम इसके बाद क्या करते हैं, पैन में तेल डालते हैं। अब देखिए, हम पैन में तेल डालते हैं गर्म होने के लिए। अब इसको थोड़ा गर्म होने देते हैं। अब देखिए, अगर बाजार से हम तले तलाए लाते हैं तो उसमें बीमारियां बहुत होती हैं, क्योंकि कई दिन का कड़ा हुआ तेल होता है, वो बार बार उसी में उसको निकालते रहते हैं। अब हम घर पर जो बनाएंगे एकदम शुद्ध और स्वच्छ होगा और नुकसान भी नहीं देगा। बच्चे इनको बहुत प्यार से खाते हैं, बच्चे क्या, इनको तो बड़े भी खाते हैं, कोई भी खाए बनाए, लेकिन घर पर तलना चाहिए इसको। और देखिए, हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, दो दो चार चार पापड़ इसके अंदर डालते हैं ऐसे। अब इनको दाल के साथ ऐसे घुमाते, ये देखिए तलने के बाद करारे हो चुके हैं। अब इनको बाहर निकालते हैं ऐसे। अब और डालते हैं। और देखिए, ये जो कच्चे पापड़ है बाजार में आसानी से मिल जाते हैं, क्योंकि आप इनका बंद पैकेट लेकर आइए और अपने घर पर इनको तलना है, घर पर तैयार कीजिए। और ये ज़्यादा भी बनेंगे, क्योंकि अगर हम बने बनाए लाते हैं तो देखने में तो इनका ज़्यादा दिखते हैं ऐसे, लेकिन होते कम हैं। अब सिर्फ 50 ग्राम पापड़ में हम थाली भर लेते हैं। ये देखिए, बस तेल गर्म करना है और पापड़ डालने हैं और निकालने हैं, कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं है। ये देखिए, और देखिए, ये हमारा फूकनी पापड़ बिल्कुल तैयार है। देखिए, जो कि बनने से पहले बिल्कुल छोटा था, 1 इंच का, अब देखिए ये उंगली से भी बड़ा बन चुका है। और देखिए, आप इनको घर पर बनाइए और अपने बच्चों को खिलाइए, आप खाइए। और 100 ग्राम पापड़ में से कम भी हम थाली भर लेते हैं। ये देखिए, हमने 50 ग्राम पापड़ तले हैं और ये कितने बन चुके हैं। और बंद पैकेट आप कहीं से भी ले आइए और घर पर बनाइए, और बाजार का बिल्कुल मत खाइए, उसी से आपका पेट खराब होता है और पेट बड़ा होता है। आप इनको आप चाहे रोज़ बनाकर खिला सकते हैं, ये नुकसान देने वाला बिल्कुल नहीं है। और देखिए, अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो, हमारा फूकनी पापड़, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय माता दी दोस्तों।